हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस एसओ 2018 का आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था वो और हो चुका है। उसके कुछ फीडबैक्स मिले हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। जो फीडबैक मिले हैं वो जो बच्चे आईटी एंड आपके मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, इनके लिए जो बच्चे थे उनके क्या थे, आपके रीजनिंग था, क्वांट था और इंग्लिश था। सभी में 50-50 क्वेश्चन थे और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इसके 50 मार्क्स और इंग्लिश के 25 मार्क्स, टोटल 125 मार्क्स थे, 150 क्वेश्चन थे और 40-40 मिनट का इनमें टाइम था, राइट। तो इसमें अगर अपने देखें क्वांट का, तो क्वांट में लेवल इसका मॉडरेट लेवल आया है, 4 DI आया है। 4 DI में से आपका एक पाई प्लस टेबल था, लेवल मॉडरेट था। दूसरा लाइन प्लस टेबल था, एक लाइन ग्राफ प्लस टेबल। तीसरा आपका एक टेबलर DI था और चौथा एक कैसलेट था। कैसलेट भी आसान था, मतलब ये इसको आप इजी कह सकते हो, बाकी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। 4 DI है। मिसिंग नंबर सीरीज के 5 नंबर की पूछी गई, मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन थे, ये आसान थे। देन डाटा सफिशिएंसी के 4 क्वेश्चन थे, डाटा सफिशिएंसी से 4 क्वेश्चन पूछे गए, ये भी ठीक थे, करने लायक थे। अप्रोक्सीमेशन के आपके 6 क्वेश्चन थे, ये आसान थे। और क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू, क्वांटिटी कंपेरिजन वाले जो क्वेश्चन है वो भी 5 क्वेश्चन पूछे गए। और मिसलेनियस जो बचे वो 10 क्वेश्चन मिसलेनियस कहते हैं, जिसमें आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस थे, टाइम एंड वर्क थे, टाइम एंड डिस्टेंस थे, इस तरह से ये इनमें से क्वेश्चन पूछे गए। ओवरऑल लेवल आप अगर इसका देखेंगे तो इजी टू मॉडरेट लेवल था, जिसमें आप 30+ आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे थे। देन नेक्स्ट अगर अपने देखें रीजनिंग का, तो रीजनिंग में भी कोई सरप्राइज किसी टाइप का नहीं था, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही था। 5 आपके पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट थे, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट जो थे 5 थे। तो मेन तो यही पोर्शन था, यही ओड़े वाला था, जिसमें आपका एक के 5 में से अगर आपने देखें तो ईयर एंड एक प्लेस बेस्ड था, एक आपके ईयर एंड मंथ बेस्ड था, देन आपके एक स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट था, स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट का एक था, एक लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट था, लीनियर सेटिंग था, एक पैरेलल सेटिंग था, जो 2 रो पैरेलल रो में जो होता है पैरेलल सेटिंग अरेंजमेंट। तो इस तरीके से करके ये आए। फिर आप इसमें देखें तो आपके सिलोक्स के क्वेश्चन थे, सिलोग्स के 2-3 क्वेश्चन सिलोग के थे, ये आसान थे बिल्कुल। डाटा सफिशिएंसी के भी 2-3 क्वेश्चन थे, डाटा सफिशिएंसी से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। ब्लड रिलेशन के भी 3 क्वेश्चन थे, इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन थे, इनपुट आउटपुट से भी 5 क्वेश्चन थे। देन आपके इनइक्वालिटीज के भी क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटीज के 2-3 क्वेश्चन इसके भी थे। तो इसके अलावा आप देखेंगे तो कितने बच गए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले भी 5 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, तो इसके भी आपके 5 क्वेश्चन थे। तो 5 तो यही हो गए, 25, 30, 35, 40 और 5, 45। हो सकता है ये सिलोग्स के शायद ये 2-3 की बजाय 5 क्वेश्चन रहे होंगे और डाटा सफिशिएंसी के भी 5 क्वेश्चन रहे होंगे। तो इस तरीके से ये रीजनिंग का पेपर रहा। देन अगर अपने ओवरऑल इसका भी, इसमें जो भी बच्चा ठीक ठाक जिसकी रीजनिंग है उसने 35 के अराउंड अटेम्प्ट किए होंगे, लेवल ठीक था, मुश्किल नहीं था। इंग्लिश का भी लेवल मुश्किल नहीं था और इंग्लिश में भी वही आपके 2 RC थे, जिसमें टोटल 13 क्वेश्चन थे आरसी के। उसके बाद क्लोज टेस्ट के 6 मार्क्स के क्लोज टेस्ट थे, क्लोज टेस्ट भी आपका
छह क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के थे, पैरा जंबल के पांच क्वेश्चन थे, पैरा जंबल के पांच क्वेश्चन थे और एरर डिटेक्शन के दस क्वेश्चन थे। एरर डिटेक्शन दस क्वेश्चन थे, वर्ड रिप्लेसमेंट के भी चार क्वेश्चन थे, वर्ड रिप्लेसमेंट से चार क्वेश्चन थे और फ्रेज कनेक्टर्स थे तीन और डबल फिलर पांच। डबल फिलर के पांच क्वेश्चन थे और फ्रेज कनेक्टर्स ये आपके तीन क्वेश्चन इसके थे, फ्रेज कनेक्टर्स। तो ये तीन क्वेश्चन थे, इस तरीके से करके ये पेपर आया है। ये भी पेपर का लेवल कोई इसका ऐसा नहीं था, जिनकी भी इंग्लिश थोड़ी ठीक है, जो रेगुलर प्रिपरेशन इंग्लिश की कर रहे थे वो भी 35 प्लस उन्होंने जरूर अटेम्प्ट किए होंगे, 35 प्लस अटेम्प्ट किए होंगे भी ठीक ठाक एक्यूरेसी। तो पेपर अगर आप देखेंगे तो पूरा ही पेपर में कहीं कोई सरप्राइज नहीं था। क्वांट में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आया, रीजनिंग में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आया, इंग्लिश में भी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही आया है। वो लेवल भी तीनों का ही अगर आप देखेंगे तो इजी टू मॉडरेट ही है, मुश्किल नहीं है। जिन भी जो भी बच्चे दूसरे बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम्स का भी रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ऑब्वियस है उनको एक पेपर मुश्किल नहीं लगा होगा और अटेम्प्ट भी उनके ठीक ही रहे होंगे। तो जैसे ही सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर हो जाएगा उसके बाद अपने ओवरऑल कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या मार्क्स इसके लिए सेफ रहेंगे, वो सब बात के वीडियो में डिस्कस रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।